चैलेंज। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, हम पास होकर कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, मैंने आपको अपनी हैंडबुक से दो क्वेश्चन दिए थे, आई थिंक D2 और D3 यार, अंजुर्मी का मसला, अगर आप कहते तो मैं इसको क्विकली आइडिया भी दे देता हूं आपको कैसे करना था, या जो ट्रिक था उसके अंदर वो भी मैं उसमें बता देता हूं आपको। अब एक मिनट, ये स्टडी टेक्स्ट है इसका पांचवा, हमारी हैंडबुक जो ना हैंडबुक वहां से भी करना। अच्छा जी, हाँ जी, तो हमारे पास यहां पे D2 और D3 भेजना। D2 में हमें क्या करना था, आई थिंक एक स्टेटमेंट बनानी थी अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, आई थिंक सो स्टेटमेंट, लेकिन मेन चीज उसमें क्या थी, हमें कॉस्ट फाइंड करनी थी कि हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट क्या है, यानी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, और दूसरी चीज हमें फाइंड करनी थी हमारे पास फिक्स कॉस्ट क्या है, और इसके अंदर हमें बेसिकली ये फाइंड करना था कि पिछले साल की ओपनिंग स्टॉक को, ओपनिंग इन्वेंट्री को हमने प्रीवियस 2012 पे वैल्यू करना था क्वेश्चन से। यस, ये आपके साथ मैंने अभी स्क्रीन शेयर की बेटा, सब लोग स्क्रीन देख सकते हैं क्या, क्या स्क्रीन नजर आ रही सबको? यस, ये सवाल था हमारे पास, D2 आपके सामने ये सवाल है, ये सवाल है D2, ये स्प्रिंग 2014 में आया भी, वेरी ये स्प्रिंग 2015 वाला हमने कर लिया था, 14 पे थे हम यार, ये सवाल आपके सामने। हाँ जी, अच्छा ये कुछ नहीं मैंने किया था, 405 बच्चा कह रहा रिपीट करते बेटा, कुछ भी नहीं मैंने किया था, मैंने सिर्फ बताया था कि वैल्यू यहां पे आप जहां 4 लाख लिखी हुई है वहां ये 4,50,000 कर ले, बस ये मैंने किया था, कुछ मैंने किया नहीं था, सिंपल मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ ये बताया था कि उसमें जो आपको बुक है उसमें मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, उसमें वैल्यू जो फिक्स कॉस्ट वो 405 लिखा हुआ था, वहां 400,000 लिखा हुआ था, तो मैंने उसकी जगह वैल्यू चेंज करवाई थी जस्ट, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था, जस्ट वैसे ट्रीट किया था, ठीक हो गया। अच्छा जी, सवाल पे आते जरा, ये D2 सवाल पे देखें जरा बेटा, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक पे वैल्यू कैसे करना था, बस ये एक मेन गेम थी, बाकी सबकी वैसे क्या वैसे ही है, एक मिनट लेंगे फिर मैं आपको क्विकली से करके दिखाता हूं। अच्छा बेटा, आप एक बच्चे का सवाल है कि सर आपने कहा अगर फिक्स कॉस्ट इनकर्ड होती तो वो लेंगे, बेटा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने फिक्स कॉस्ट को लेने लेना जो कॉस्ट इनकर होती है, और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम फिक्स कॉस्ट नहीं लेते, बाद में हम एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर रहे होते हैं, एक बात। नंबर टू, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में फर्क क्या है, यही तो फर्क है कि एब्जॉर्प्शन में हमने फिक्स कॉस्ट को भी लेना है पर यूनिट में, और एब्जॉर्प्शन मार्जिन में हमने फिक्स कॉस्ट को नहीं लेना, जस्ट वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, और एब्जॉर्प्शन में फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों कॉस्ट ले रहे होंगे, ये एक मेन फर्क था। और इसके अलावा बस यही चीज बताई आपको मैंने, इसमें वहां हम बना रहे थे बजटेड इनकम स्टेटमेंट, सवाल आप मेरे सामने भी है, पिछला क्या था, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी थी, तो मैंने सारा बजटेड डेटा यूज कर लिया था, उसमें बजटेड में 4 लाख लिखा हुआ था, मैंने उसको चेंज करके 405,000 करवाया था, यार वैल्यू ये है एक्चुअल सवाल के अंदर जो आपका एक्चुअल 5 रुपए का सवाल है आयशा बेटा। और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ वैल्यूज जो थी उसमें कहा था कि ये वैल्यूज यूज ना करें, मैं आपको वैल्यूज एक्चुअल वाली बताता हूँ जो एक्चुअली यूज हुई, मीन लाइक ये मिस प्रिंटिंग है सवाल में, ये कह के मैंने आपको वैल्यू चेंज करवाई थी, और ऐसा कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट में जस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर ये D2 अभी सवाल डिस्कस कर लेते हैं ना, अभी इसमें भी यही पॉइंट आएगा, बाकी वही है। हाँ जी, D2 बेटा सब लोग जल्दी क्विकली रीड आउट कर ले जरा, मैंने अभी इसको आपको मेन चीज क्या है इसमें यार, एक तो हम सवाल, चले एक मिनट ले आप सवाल पहले पढ़ लें जल्दी से, मैं फिर करता हूं।
एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, अगर हो गया तो मैं आगे चलता हूँ यार, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको जस्ट जो मेन पॉइंट है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कैसे करना है वो बता देता हूँ, बाकी तो सवाल बाकी सवालों की तरह ही है, कुछ नहीं इसमें नई चीज। सिर्फ मैंने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बताना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी ये सब भी बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा आई थिंक सो, बाकी इतने सवाल हमने किए वैसे के वैसे ही है, एक फर्क बताना है कि यार इसमें डिफरेंट क्या है, लेकिन पहले पढ़ लें ताकि बाद में ना मुझे उसमें हो। लेकिन मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, स्प्रिंग 2014 में आया, 15 वाला हमने कर लिया था तो ये रिसेंट की तरह, तो आप समझ जाएंगे सवाल आपके ऐसे आएंगे। एक्सवाई लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, जी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं सेल करते हैं, ठीक हो गया। सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2013 वर एज फॉलोस। अच्छा, इससे भी पहले हम हमेशा सवाल की पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, पहले हमेशा रिक्वायरमेंट कहता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st December 2013 अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिन कॉस्टिंग। क्या बताना आपने, एब्जॉर्प्शन मार्जिन के थ्रू आपने दो स्टेटमेंट बनानी है, फिर आपने रिकंसाइल करना है, ये आपको बताइए। अच्छा वापस सवाल पे जाता हूं मैं। अच्छा हमने एब्जॉर्प्शन और मार्जिन कॉस्टिंग के थ्रू दो स्टेटमेंट बनानी है तो ठीक है यार, एक तो सेल दी हुई सेलिंग प्राइस दी हुई, कितनी दी हुई सेलिंग प्राइस हमें 1600 यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी हुई, तो 1600 की मेरे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी हुई बेटा, तो ठीक है सेलिंग प्राइस को क्या करूंगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल यूनिट आगे दी होंगे उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ली, इसको डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ कितना 630 है, डायरेक्ट लेबर दी हुई 189 की, प्रोडक्शन ओवरहेड दी हुई आपको 40% फिक्स्ड है, इसका मतलब 60% वेरिएबल है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये 60% फिक्स है, 60% फिक्स है इसका मतलब 40% क्या ये वेरिएबल है, ठीक हो गया। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोस, ड्यूरिंग द ईयर 12,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस, 12,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स वर 4,000 एंड 3,000 यूनिट्स। ले जी प्रोडक्शन आपको दी भी 12,000 की, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ, तो आई थिंक आप निकाल सकते हैं सेल कितनी आएगी, जल्दी मुझे सेल कैलकुलेट करके बताए देना। 12,000 प्रोडक्शन दी हुई आपको, ओपनिंग स्टॉक 4,000 का भी दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक भी 3,000 का दिया हुआ है, जल्दी बेटा क्विकली सब लोग वैल्यूज पुट करें और मुझे बताएं कितनी सेल्स है। प्रोडक्शन 12,000 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक 4,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक 3,000 यूनिट्स, तो इसका मतलब 13,000 यूनिट्स की सेल हो गई, क्यों ओपनिंग हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 4,000 प्लस प्रोडक्शन 12,000, तो 4,000 और 12,000 हमने ऐड कर लिया तो 16,000 बन गया, उसमें से रेवेन्यू कितना पड़ा हुआ 16 में से 3 पड़ा हुआ, तो बाकी 13,000 की हमारे पास सेल्स होगी, डन। तो सेल्स को आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास सेल वैल्यू आ जाएगी, एब्जॉर्प्शन में भी ऐसा ही होता है, मार्जिन में भी ऐसा ही होता है, आगे चलते हैं। अच्छा उस अब लेंगे यहां में हम आगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी व्हिच इज 15,000 यूनिट्स। हां जी फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट आपको किस बेस पे एब्जॉर्ब करवानी, हमने 15,000 यूनिट्स की बेस पे हमने एब्जॉर्ब करवानी, लेकिन मसला ये कि हमें वो पर यूनिट पहले ऑलरेडी उसने कैलकुलेट करके दी हुई तो वही चला देंगे यार। ओवरहेड्स कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 10% ओवर द प्रीवियस ईयर एंड रॉ मटेरियल एंड लेबर बाय 5%। हाँ जी ये क्या बात कर रहे हो कि इस साल में जो है ओवरहेड की कॉस्ट 10% बढ़ चुकी है और रॉ मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट 5% इंक्रीज कर चुकी है, दिस इज ऑलरेडी इंक्रीज, ये सब कुछ ऑलरेडी इंक्रीज है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ये हमारे पास सब कुछ ऑलरेडी इंक्रीज है तो फिर हम यहाँ पे अगर हमने ओपनिंग स्टॉक को वैल्यू करना है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये ऑलरेडी इंक्रीज यानी वन, बिल्कुल एक बच्चे ने कहा कि ये 110% है बिल्कुल, और मटेरियल और लेबर हमारे पास 105% है, तो हमने अगर ओपनिंग स्टॉक को वैल्यू करना है तो वो पिछले साल वैल्यू करना है, तो ये 5% 10% इसमें से अगर हम एलिमिनेट कर दें तो पिछले साल की वैल्यू आ जाएगी, यानी ओपनिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करना है वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो कंपनी यूज़ द फाइफो मेथड फॉर द इन्वेंट्री, ये भी बता दिया कि फाइफो मेथड चल रहा है कि जो पहले हमारे पास स्टॉक पड़ा है पहले वही सेल होगा, तो ठीक है इसका मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री को वैल्यू करना बहुत जरूरी है। तो हम कैसे ओपनिंग स्टॉक को वैल्यू करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करेंगे और प्रोडक्शन को कैसे वैल्यू करेंगे, तो हम प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू एक ही तरह से करते हैं, ओपनिंग स्टॉक का हमने प्रीवियस ईयर की वैल्यूज यहां पे फाइंड करनी होगी, तो ओपनिंग स्टॉक के लिए हम प्रीवियस ईयर की वैल्यू फाइंड करेंगे, अदरवाइज प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास एक ही वैल्यू पे हम इसको वैल्यू कर रहे होंगे,
ले जी कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। अच्छा क्या करते हैं, सबसे पहले 2013 को दोबारा से देखने बेटा, आपके पास कितना मटेरियल दिया हुआ? 630 का मटेरियल है यार, 630 आपके सामने बेटा। और आप हमारे पास यहाँ पे लेबर कॉस्ट कितनी दी हुई 189 की, ये 630 दिया हुआ बेटा, ये 189 दिया हुआ। अच्छा जी अब ओवरहेड कितने दिए हुए वो बताया हुआ कि अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करता हूँ तो 60% ऑफ द 220, इसका 60% दे दूंगा। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन इसमें बाकी 40% वो भी आ जाएगा हमारे पास। तो ठीक है मैं जैसे इसको वैल्यू कर देता हूँ आपको आइडिया हो जाए, तो मैं इस तरह से वैल्यू कर देता हूँ, ये 2013 कर लेते हैं, ये 2012 कर लेते हैं, यानी ओपनिंग स्टॉक 12 पे वैल्यू होगा, क्लोजिंग स्टॉक प्रोडक्शन क्लोजिंग स्टॉक 13 पे वैल्यू होगा। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ डायरेक्ट मटेरियल की बेटा, तो डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास 2013 में कितने इंक्रीज हुआ, 630 का था अभी हमने बात की, जबकि अभी बात सवाल में की जा रही थी क्या की बात की जा रही थी, वही कह रहा था कि हमारे पास यहाँ इंक्रीज आया, 2013 में हमारे पास इंक्रीज आया 5% इंक्रीज आया, तो 5% इंक्रीज को हम खत्म कर लेते हैं। तो 5% इंक्रीज को कहते हैं कैसे खत्म करेंगे हम, तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो 630 है ये 105% है, तो इसको 1.05 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या वैल्यू आती 630 को 1.05 से डिवाइड किया, या इसके इसको 105 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर ले वो भी ठीक है, तो 600 आ जाएगी एग्जैक्टली, जिसका मतलब 2012 में मटेरियल जो था वो 600 का था। देन डायरेक्ट लेबर की बात कर लेते हैं बेटा, डायरेक्ट लेबर अभी आपको डायरेक्ट लेबर सवाल में दी जा रही थी 189, तो इस साल की 2013 की तो 189 है, तो इसमें भी 5% इंक्रीज आया हुआ, तो क्या करें इसको ये भी 105% है, तो 105 से डिवाइड करके आप 100 से मल्टीप्लाई कर ले ताकि वो 5% खत्म हो जाए, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है ना, ये 180 आ जाएगा एग्जैक्टली। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्शन की ओवरहेड्स भी दिए हुए थे यार, ओवरहेड्स जो कि 60% हमारे पास वेरिएबल थे 20% फिक्स थे, तो वो ओवरहेड्स कितने थे हमारे पास प्रोडक्शन के ओवरहेड्स, तो प्रोडक्शन की जो ओवरहेड्स थे हमारे पास वो 220 के थे, 220 इंटू 60% अगर हम करें तो ये कितना बनता है हमारे पास, हाँ जी 220 into 60 बनता है ना, तो ये 132 आ जाएगा एग्जैक्टली। लेकिन इसमें कितना इंक्रीज आया हुआ, इसमें 10% इंक्रीज आया हुआ, इसमें 132 लें इसको आप 110 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि आपके पास वो वैल्यू आ जाए जो हमने इस साल यूज करनी है, तो हम इसको उस तरह से वैल्यू कर लेंगे, तो 132 से हमने इसमें 132 है तो 110 से डिवाइड की क्योंकि 10% इंक्रीज इसमें शामिल है और हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे 120 एग्जैक्टली एग्जैक्टली बेटा, ये 120 आ रहा है मेरे पास। अब ये मैंने अभी तक क्या लिया, जस्ट मैंने वेरिएबल कॉस्ट ली है, तो अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग को फॉलो कर रहा हूं, अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग को फॉलो कर रहा हूं तो आप ऐड करें जरा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ओवरहेड जरा ऐड करके मुझे बताएं क्या क्या वैल्यू आती है हमारे पास, इसमें ऐड कर लें, हमें यहां पर फाइंड करना है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये वेरिएबल आप यू कह रहे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करने चलेंगे बेशक आप, कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, तो करें ऐड 630 को 189 को 132 को, तो 951 आएगा आपके पास, 951 हम यहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू इस साल वैल्यू कर रहे हैं, और पिछले साल ओपनिंग स्टॉक को किससे वैल्यू करेंगे हम 900 पे वैल्यू कर रहे हैं, ठीक हो गया। यानी हम अगर मार्जिनल कॉस्टिंग को फॉलो कर रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक बेटा किस पे वैल्यू होगा, ओपनिंग स्टॉक बेटा वैल्यू होगा, मैं यहां पे एक और हिंट करा देता हूं आपको, चले एक और शीट ले लेता हूं, देख रहे हमारे पास क्या होगा बेटा, सेल तो वैसे की वैसी आएगी, इसमें कोई नई बात नहीं है, सेल यूनिट दिए हुए प्राइस दी भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आपको पता ही आ रहा है यहाँ पे कि सेल यूनिट कितने थे, अभी आपने 13,000 की बात की थी, तो 13,000 से 1600 उसकी प्राइस है, तो 13,000 यूनिट्स इंटू 1600 उसकी प्राइस, तो सेल आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगा, जैसे थोड़ी सी इस पर डिस्कशन, ओपनिंग स्टॉक लेंगे हाँ जी, प्लस प्रोडक्शन लेंगे हाँ जी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, ऐसे ही बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग यही करते हैं। अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग को फॉलो कर रहा हूं तो ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक के यूनिट हमने सवाल में देखे थे यार कितने यूनिट थे, तो इसने बताया था हमारे पास 3,000 और 4,000, 4,000 का ओपनिंग है 3,000 का क्लोजिंग है, तो ठीक हो गया मैं अभी इसको डाल देता हूं, 4,000 का ओपनिंग है और प्रोडक्शन कितनी हुई थी हमारे पास
प्रोडक्शन हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग 12,000 की थी और 3,000 के क्लोजिंग में, ठीक हो गया। तो ये मल्टीप्लाई किससे करें, डिपेंड्स आप क्या फॉलो करेंगे। अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो मैं यहां पे क्या वैल्यू पुट करूंगा, हाँ जी, अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहा हूं तो मैं यहां पे वैल्यू क्या यूज करूंगा, तो ये आपके सामने बेटा। अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करूं तो ओपनिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करूंगा 900 पे और क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करूंगा 951 पे। ये मेन थिंग थी मेरे पास 900 और 951, तो यहां लिख दूंगा मैं 900, ये आ जाएगा 951, ये भी आ जाएगा 951। तो इस तरह से हम इसको करके वैल्यू कर लेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप जब ये वैल्यू आप यहां से कर देंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बेटा हमने फिर क्या करना है, यहां से और क्या होगा, कोई हमारे पास दी भी थी कि ये 60% वेरिएबल था, 40% क्या था वो फिक्स था, तो फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे सवाल में से, जो फिक्स कॉस्ट दी होगी, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड माइनस कर देंगे, फिक्स वो जो सेलिंग के ओवरहेड है वो भी माइनस कर देंगे, तो प्रोडक्शन के सेलिंग के सारे वो माइनस कर देंगे, सारी कॉस्ट इसके अलावा बाकी सारी माइनस कर देंगे, डिजाइन डाइन की एडमिन की जो भी हमारे पास दी हुई है तो सारी कॉस्ट माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये सवाल आपके सामने बेटा। तो मैंने क्या किया, ये अभी इसका एक तो 40% माइनस करना है बाद में आपने, ये 40% फिक्स है, और पहले आपने इससे भी पहले आपने क्या करना है, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आपने 40% ऑफ द एडमिन सेलिंग की माइनस कर देना है। 165 हमारे पास सेल यूनिट इज सेलिंग, ये हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस कह लें आप, 165 ये क्या है हमारे पास, ये 60% इसका फिक्स्ड है, तो 40% तो वेरिएबल होगा, तो 165 इंटू 40% ले ले आप यहां पे इंटू 13,000 कर दें। मैं थोड़ा सा करके दिखा भी देता हूं आपको कि यहां आप क्या करें, इसके बाद थोड़ा मैं टाइम भी सेव करना चाह रहा था। अच्छा जी, यहां आप क्या कीजिएगा, जब ये वैल्यू निकल आएगी इसमें से आपने क्या करना है, 13,000 यूनिट्स है इनटू ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पर यूनिट कितना हमारे पास अभी यहाँ पे गिवन था, तो ये 165 का गिवन था, और इसमें बताया कि 60% फिक्स है, तो 40% तो वेरिएबल है, तो पहले आप 40% माइनस कर लीजिएगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे हम कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जब निकल आएगा उसमें से फिर माइनस कर दीजिएगा आप इसका 60% और आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी भी है फिक्स उसका भी आप जितना भी वैल्यू दी 40% वो भी माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएंगे, ठीक होगी बात बेटा, इज इट क्लियर। ये अकॉर्डिंग टू द मार्जिन कॉस्टिंग, मार्जिन कॉस्टिंग के थ्रू बात डन है तो मैं आगे चलता हूं, मैं अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मूव करने लगा हूं। आई थिंक मेन जो पॉइंट था वो यही था कि ओपनिंग और ये प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू करना है, ये बाकी जितने सवाल हमने किए बाकी वही के वही पॉइंट आता है, कोई नई बात नहीं आती। मार्जिन कॉस्टिंग हो तो सेल में से आपने क्या करना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी दी हुई, वेरिएबल सेलिंग, वेरिएबल एडमिन, वेरिएबल रिसर्च, वेरिएबल फाइनेंस, वेरिएबल आईटी, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट दी हुई सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, देन जितनी भी फिक्स कॉस्ट दी हुई वो माइनस कर देंगे आपके पास प्रॉफिट आ जाएंगे। अब सवाल ये कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू हम इसको कैसे वैल्यू करेंगे, दिस इज अ क्वेश्चन। अरे मार्जिन कॉस्टिंग के थ्रू तो हमने निकाल लिया, अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू हम कैसे वैल्यू करेंगे, तो हमने इसमें फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवाना है, तो फिक्स कॉस्ट को कैसे एब्जॉर्ब करवाना है, ये 220 ये प्रोडक्शन की खाली फिक्स कॉस्ट लेनी होती है, एडमिन सैलरी की नहीं लेनी होती, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की फिक्स कॉस्ट, वो कितनी है, ये 220 है यार, 220 का कितने परसेंट फिक्स है, 40% फिक्स है यार, तो ठीक है 220 का 40%। मैं वापस उसी शीट पे मूव करता हूँ, ये शीट थी मेरे पास, अभी तक मैंने मार्जिन कॉस्टिंग थ्रू ये निकाल चुका हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब करवा देंगे। मेन पॉइंट क्या है कि फिक्स कॉस्ट जो हमने एब्जॉर्ब करवानी है वो इस साल कैसे एब्जॉर्ब करवानी है और पिछले साल में हमने कैसे एब्जॉर्ब करवानी है, तो सिंपल उसने कहा था ओवरहेड 110% इंक्रीज कर चुके हैं तो उसको रिवर्स कर देंगे यहाँ पे हम। इस साल कितना है हमारे पास, ये हमारे पास ये बेटा 220 ये वैल्यू थी, इसका 60% वेरिएबल था तो 40% क्या है इसका फिक्स होगा, तो ये 40% ले लिया, तो कितना आया मेरे पास, तो ये यहां पे आया 88, मैंने यहां पे इस साल की 88 आया, तो पिछले साल क्या होगा 88 में इंक्रीज आ चुका होगा, तो इसको 110 से मैंने डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो अब मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, अरे मुझे बताया जरा 80, तो ये 80 आ गया बेटा मेरे पास, ये 80 आ गया, इसमें ऐड कर दे बेटा, करें ऐड क्या आता है, ये हमने फुल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल ली। अगर हमारे पास फिक्स कॉस्ट इनकर्ड और बजटेड हो
भी हो तो हम कौन सी वाली लेंगे फॉर मार्जिनल? मार्जिनल के लिए हमेशा इनकल लेते हैं बेटा, मार्जिनल के लिए हमेशा इनकल लेते हैं अनटिल अनलेस कि उसने ये ना कहा हो कि आपने बजटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है या बजटेड इनकम शीट बनानी है। जब वो कह रहा है कि आपने बनाना ही बजटेड है तो फिर बजटेड ही आएगा, अदरवाइज प्रैक्टिकली क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम हमेशा एक्चुअल फिक्स कॉस्ट लेते हैं और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम हमेशा फिक्स कॉस्ट को पहले एब्जॉर्ब करवाते हैं एस्टिमेट की बेस पे, फिर अंडर ई ओवर जो फर्क होता है उसको भी एडजस्ट करते हैं। हाँ जी ऐड करें वैल्यू बताएं मुझे 1039 डन और यहां क्या आ रहा है 980 आ जाएगा फाइन। अब जब हम स्टेटमेंट बना रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो क्या होगा, मैं उसी स्टेटमेंट वापस आ जाता हूं तो कोई नई बात नहीं होगी बेटा। अब पहले हम ओपनिंग स्टॉक किस पे वैल्यू करते थे, वेरिएबल कॉस्ट पे या फिक्स कॉस्ट पे? लेकिन फिक्स कॉस्ट कौन सी देंगे, पिछले साल की, पिछले साल की फिक्स कॉस्ट कितनी है वो 980 है, इस साल की कितनी है 1039 है, तो ठीक है क्लोजिंग को इस पे कर देंगे हम। तो सिंपल आप क्या करेंगे, अगर मैं सारा यहां इसी में एडजस्ट करता हूं बेटा, तो आप सिंपली व्हाट यू विल डू, ओपनिंग स्टॉक को हम किस पे वैल्यू करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को हम वैल्यू कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द 980 बिल्कुल, और क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू होगा 1039, क्लोजिंग स्टॉक 1039। यही बात थी, बाकी सब चीज वैसे का वैसे ही है। ये हमारे पास सेल में से हमने ये ओपनिंग स्टॉक प्रोडक्शन क्लोजिंग स्टॉक माइनस करें ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, फिर एडमिन की सैलरी की सारी फिक्स प्लस वेरिएबल सारी माइनस कर देंगे हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये है स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। डन बेटा, आई थिंक ये रिकंसाइल भी कर ले कि आप स्टॉक में चेंज कितना आया, स्टॉक में चेंज 1000 का आई थिंक आ रहा था, 1000 का फिक्स कॉस्ट 500 से मल्टीप्लाई करके रिकंसाइल कर लेंगे, हमने कितने सवाल में पहले रिकंसाइल कर लिया, तो आई थिंक दिस इज डन। मूव करता हूं मैं यहां से आगे, मूव करता हूं यहां तक कोई सवाल बेटा, मैं आगे मूव करने लगा, एक और सवाल मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था वो भी मैं चारों ऑप्शन कर लू। डन लें जी, आगे क्या है, ये सवाल भी मैंने आपको दिया था यार, लेकिन थोड़ा सा इसको देखिए, आपने करना क्या है, आपने सिर्फ मुझे बताना है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करना है, सिर्फ ये बताना है आपने मुझे, और इसमें चेंज भी कोई नहीं है, ये भी देखो मेन बात ये है, आपने सिर्फ मुझे बताना है कि इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी है, यानी हमने अगर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, अगर मैं इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहा हूं तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, जल्दी से आपने क्विकली सजा करके मुझे बतानी है बात, फिर मैं आगे मूव करूंगा, मुझे नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है आज, आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नाउ, जल्दी से देखने की कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है जनाब, कहते हैं प्रीपेयर स्टेटमेंट फॉर द मैनेजमेंट शोइंग सेल्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द सिक्स मंथली पीरियड्स यूजिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो मैं आपको हिंट पूरा करवाता हूं, सवाल थोड़ा क्विकली रीड आउट करता हूं, पूरा सवाल इसमें क्लियर कर देता हूं आपको। प्रीपेयर एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रिकंसाइल, अच्छा आगे रिकंसाइल करना है वो तुम्हें पता कैसे रिकंसाइल करना है, सवाल पे आता हूं। कहते हैं अली लिमिटेड मेक्स एंड सेल्स वन प्रोडक्ट द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ व्हिच इज एज फॉलोज फॉर वन यूनिट। अच्छा डायरेक्ट लेबर दिया हुआ आपको 3 आवर्स और 8/6 है तो 18 आ गया, डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया 4 kg और 8/kg 7 है तो 28 आ गया, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारे पास वेरिएबल जो है वो 3 है
फिक्स है वो 29 है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट 69 की दी हुई, ठीक हो गया। नॉर्मल आउटपुट इज 16,000 यूनिट्स पर एनम एंड दिस फिगर इज यूज्ड फॉर द फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैलकुलेशन, कॉस्ट रिलेटिंग टू द सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन आर एज फॉलोज। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास सेलिंग की कितनी है, 20% ऑफ द सेल्स वैल्यू, यानी हम जब मार्जिन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, उसमें हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी होगी। तो पहले आप ओपनिंग स्टॉक परचेसिंग क्लोजिंग स्टॉक तो कर चुके होंगे, तो फिर आपने 20% ऑफ द सेल ये माइनस कर दें, जो भी सेल की फिगर होगी उसका 20% माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर आप फिक्स कॉस्ट भी वहां जाके माइनस कर दीजिएगा, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, एक इश्यू है यहां पे, वो इश्यू क्या है थोड़ा मैं यहीं पे देख के क्लियर कर दूं आपको बेटा। ये जो हमारे पास फिक्स कॉस्ट दी हुई बेटा, ये फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई आपको, 180,000, ये 180 हम यहां यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं 6-6 माह की क्वार्टर सेमी एनुअली, ये पूरे साल की दिया हुआ 180, तो आपने 180,000 को डिवाइड कर लेना 2 से, ये 6/12 कर लीजिएगा, 180,000 मल्टीप्लाई 6/12, तो आपके पास 6-6 महीने की फिक्स कॉस्ट निकल आएगी, तो उनको आपने यूज करना होगा। अच्छा, आगे The only variance is the fixed production overhead volume variance. There are no units in the finished goods at the 1st October 2003. Opening stock कोई नहीं, उसने आपको बता दिया। No units in the finished goods at the start. तो opening stock आपका zero है। Opening stock कुछ नहीं है। Fixed production overhead is spread evenly throughout the year. The selling price per unit is, अच्छा sale price कितनी हमारे पास, 140 दी हुई है। ठीक हो गया। For each of the 6 month period, the number of units to be produced and sold are budgeted as follows. तो पहले 6 month में क्या हुआ है? तो प्रोडक्शन आपकी भी 8500 की, सेल्स कितनी की, 7000 की है, 7000 की आप सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्शन आप 8500 की, ओपनिंग स्टॉक जीरो है तो प्लस प्रोडक्शन की 7000, तो क्लोजिंग स्टॉक की कितना, तो ये 7000 सेल कर देंगे तो बाकी 1500 का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, वही 1500 का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास नेक्स्ट पीरियड का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। तो इस पीरियड में से हमारे पास 1500 बचेगा वो नेक्स्ट में मूव कर देगा, तो नेक्स्ट में हमारे पास 7000 की प्रोडक्शन हुई और 1500 हमने ऐड किया तो कितना हो गया, 8500 हो गया, उसमें से हम 8000 सेल कर रहे होंगे तो फिर हमारे पास 500 क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट का भी आ जाएगा। देखिए ये तो बड़ी बात थी नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, मार्जिनल क्लोजिंग कॉस्ट। तो क्या करना आपने, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ आपके साथ, ओपनिंग स्टॉक अभी जीरो है, प्रोडक्शन दी हुई, क्लोजिंग स्टॉक निकलाएगा वही नेक्स्ट ओपनिंग होगा, प्रोडक्शन दी हुई, क्लोजिंग स्टॉक निकलाएगा। अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करूं तो क्या यूज करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट, इसमें तो कोई ट्रिक ही नहीं है, लेकिन सर वी आपने पार्ट यूज करना था इसमें, तो इसको मैं ऐड करूं कितना बनता है, 49 बनता है। तो अगर मैं मार्जिन कॉस्टिंग को फॉलो करूं तो ओपनिंग स्टॉक 0 मल्टीप्लाई 49, प्रोडक्शन को हमारे पास प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 8500 मल्टीप्लाई 49 और क्लोजिंग स्टॉक का 1500 उसको भी मल्टीप्लाई करना हमने 49 से, तो मार्जिन कॉस्टिंग के अंदर हम 49 ओपनिंग प्रोडक्शन क्लोजिंग स्टॉक इस पे वैल्यू हो जाएगा। लेकिन मार्जिन कॉस्टिंग के अंदर आपने क्या करना है कि जितनी भी सेल वैल्यू आप यूज कर रहे हो उसका 20% भी आपने माइनस करना है, जैसे बताया हुआ कि ये हमारे पास एडमिन की कॉस्ट कितनी है, ये वेरिएबल कॉस्ट है 20% ऑफ सेल वैल्यू, तो सेल वैल्यू को 20% लेके आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी, तो ये भी माइनस करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन में से आपने माइनस करना है फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट कैसे माइनस करेंगे, ये 180,000 तो पूरे साल की है, जिसका हम 6/12 कर दिए, यानी आधी कॉस्ट हम यहां से माइनस कर देंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा जी, अगर मैं फॉलो कर रहा हूं, इफ वी आर फॉलोइंग द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, हां जी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करें तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ले लेंगे यार, ये 69 ले लेंगे यहाँ पे हम, तो 69 फुल प्रोडक्शन कॉस्ट है तो ओपनिंग स्टॉक को भी 69 से मल्टीप्लाई करना है आपने, प्रोडक्शन को भी आपने 69 से मल्टीप्लाई करना है और क्लोजिंग स्टॉक को भी आपने 69 से मल्टीप्लाई करना है, तो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो हमारे पास ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हम जाके माइनस करेंगे, हम सेल्स का 20% भी माइनस कर देंगे, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी आधी हाफ माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू हम इस तरह से ट्रेड कर रहे होंगे। यहां तक कोई इशू, हाँ जी कोई मसला बेटा इस सवाल के अंदर, आई थिंक इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, नो एनी इशू, ठीक होगी बात यहां तक, इज इट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा। इसके बाद में कुछ सवाल है अगर आप वो खुद देख लीजिएगा उसको भी यार, इजी सवाल है वो हो जाएंगे आपसे, इसी तरह के सवाल है जैसे मैंने ये डिस्कस किया आपके सामने, जैसे ये सवाल दिया हुआ आपको, ये क्या दिया हुआ, सवाल की पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेता, एक हल्का सा देख लीजिएगा हो जाएगा, आई थिंक सो कहता प्रीपेयर द बजट प्रॉफिट लॉस अंडर द अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉर द मंथ एंड, ये लॉस इज आई थिंक आ रहा होगा, ये आपने स्टेटमेंट बनानी है अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करते हुए,
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करते हो, आपने स्टेटमेंट बनानी है ना, तो कैसे बनाएंगे ये रीड आउट करें क्विकली, समझ बता दूं इसमें कोई ट्रिक है कि नहीं। दो मिनट लगाएं इसको, पढ़ें इसको। क्लास टाइमिंग एक बच्चा पूछ रहा है, अभी तक फिलहाल की क्लास टाइमिंग यही चलेगी, मैंने मैनेजमेंट से बात की है हमारी टाइमिंग को सजेस्ट कर दे, दे सेट के हम थोड़ा टाइमिंग आगे पीछे करते हैं, बाकी टीचर से वो कंफर्म करके या वो सारी जो उनकी लेना उड़े वो चेक करके तो मुझे बता देंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मुझे क्लास टाइमिंग तो मुझे 1.5 आवर 1.5 घंटे की क्लास दी जाए ताकि मैं आसानी के साथ सवाल भी और सारी चीजें करवा सकूँ, क्योंकि अक्सर ये सिस्टम भी वो डिस्कनेक्ट हो जाता है फिर दोबारा कनेक्ट कराता हूँ मैं, और बात स्टार्टिंग में भी आगे थोड़ा सा मेरा टाइम लग जाता है। अभी कंफर्म नहीं पता बेटा मुझे कि मॉर्निंग में ही होंगी या इवनिंग में ही होंगी, आई थिंक मॉर्निंग इज मच बेटर, पता नहीं आप लोग इसको कैसे समझते हैं नहीं समझते यार। सवाल देखेंगे ना, बल्कि ऐसा करेंगे आप सवाल करके भी दिखाएंगे साथ साथ, जल्दी जल्दी हरी आप। सर मैनेजमेंट अभी तक प्रीवियस ईयर सिलेक्ट हो गई यार, ये मैनेजमेंट भी क्या है यार, हो जाएंगे बेफिक्र हो रहे आप, मैं इधर ही करवा दूंगा आपको। मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की है कि मुझे 1 to 6 days टाइमिंग कर दी जाए और 1.5 आवर की क्लास की जाए, तो टाइमिंग देख ली जाए कि ऐसी हो जिसमें मैं बड़ा कंफर्टेबल चल रहा हूँ, बच्चे भी कंफर्टेबल हों। अच्छा नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं, एक मिनट जल्दी यार हसन बेटा एक मिनट, मुझे पता आपको ये सवाल आता है। अच्छा जल्दी से क्विकली जल्दी से मुझे बता दें मेरा, कहते खान कंपनी स्मॉल कंपनी विच हैज द फॉलोइंग बजट मार्जिनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द मंथ एंडेड 30 जून 2004, सेल्स आपको दी हुई 96,000, सेल्स आ गई आपकी 96,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दी हुई, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ आपको, प्रोडक्शन दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, अच्छा अदर वेरिएबल कॉस्ट दी हुई, कंट्रीब्यूशन, अच्छा ये मार्जिनल कॉस्टिंग थ्रू बनी हुई है स्टेटमेंट, कंट्रीब्यूशन निकली हुई है, प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हुए आपको, एडमिन दिए हुए, सेलिंग दिए हुए, नेट प्रॉफिट आ गया, डन। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट दी हुई कितनी है, हाँ जी, डायरेक्ट मटीरियल एक यूनिट को बनाने के लिए कितना यूज, 1 kg का, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 16 पर यूनिट है, डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास 18 पर यूनिट है और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 6 पर यूनिट है, बैचेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है हमारे पास, ₹60 की है, ठीक हो गया, इन सेलिंग प्राइस 60 की दी हुई हमारे पास, मटेरियल लेबर और वेरिएबल कॉस्ट ये भी हमें 16, 18 और 6 का दिया था हमारे पास, ठीक होगी, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां तक कोई इशू। अच्छा अब आगे क्या करेंगे यहां पर हम, अब नेक्स्ट देखना पड़ेगा यार, द कंपनी नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी 4000 यूनिट्स पर मंथ, हां जी पर मंथ कितनी कॉस्ट है, ये यूनिट्स है 4000 यूनिट्स है, इट हैज बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एट 8000 पर मंथ एंड एब्जॉर्ब देम ऑन द नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है उसने खुद ही बता दिया यार इसको कैसे एब्जॉर्ब करवाना, तो 8000 की उसने का टोटल कॉस्ट है, ले जी 8000 लिख देते हैं, किस बेस पे एब्जॉर्ब होता है, 4000 की बेस पे, ले जी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी, 2 आएगी, 2 हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 निकला है जनाब, ये 2 ले लेंगे यहां पे। अब मसला ये है कि आपने यहां पे क्या करना है, आपने यहां पे क्या करना है, करना है क्या है आपने यार, एक मिनट,
ये जो स्टेटमेंट बनी हुई है अकॉर्डिंग टू द, ये थोड़ा सा उसमें अच्छा सवाल है, अकॉर्डिंग टू द मार्जिन कॉस्टिंग बनी हुई है, हमने वेरिएबल कॉस्ट में लिख दिया, इसमें हमने क्या करना है, जैसे लाइक अब बनी कैसे हुई, वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई प्रॉपर ऐड करें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाले 16, 18 और 6 इसको ऐड करें बेटा क्या आता था, हाँ जी बेटा ये आता 40 डाल, ये 40 यानी वेरिएबल कॉस्ट पे चल रहा था, हमने क्या करना है 40 तो लेने लेने प्लस और के लेना हमने यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे निकाला क्या ये 2 भी ऐड कर लेंगे इसमें, यस ये कितना बन जाएगा हमारे पास, हमारे पास बन जाएगा ये 42, तो हमारी जो कॉस्ट आएगी 40 यानी 40 यूनिट्स नहीं दिए हुए, अब मैं यूं कर सकता हूँ इसको लाइक मैं यूं कर सकता हूँ, मैं ये कहता हूँ ये 6000 जी कॉस्ट है ये 40 पे है तो 40 से डिवाइड कर लूंगा इसको, 40 से डिवाइड करूंगा ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स आ जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई में 42 से कर लूंगा, यानी फिक्स कॉस्ट इसमें शामिल हो जाएगी मेरे पास, ऐसे ही मैं प्रोडक्शन को कर लूंगा कि 72,000 है इसको 40 से डिवाइड किया और 42 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे क्लोजिंग स्टॉक 14,000 से मैं इसको 40 से डिवाइड किया 42 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह करते हैं हमारे पास ओपनिंग स्टॉक प्रोडक्शन क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा इसमें वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ही हमने ले ली, हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सारी बाद में ले रहे होते हैं, एक चीज होगी कि हमने ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब अंडर ओवर कैसे किया होगा, बाकी तो ठीक है ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा प्रोडक्शन आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा फिर अंडर ओवर की मैं वर्किंग करूंगा फिर मैं बाद में सेलिंग एडमिन फिक्स कॉस्ट जितनी भी बाकी जो भी बाकी कुछ बचे सब कुछ मैं माइनस कर दूंगा, ये प्रोडक्शन ओवर बाकी जितने भी बचे एडमिन सेलिंग जो भी सब कुछ माइनस कर दूंगा नेट प्रॉफिट आ रहा होगा, बात है कि अंडर ओवर की मैं वो कैसे वर्किंग कराऊंगा उस पर मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ अंडर ओवर कैसे होगा। अब देखिए प्रोडक्शन ओवर यहाँ पे कितने दिए हमें, हाँ जी प्रोडक्शन की जो हमारे पास कॉस्ट है वो 72,000 है, अगर मैं यू कर दूं इसमें ये देख बेटा बेटा चलो मैं यहां कर देता हूँ नई शीट पे एक दो चला देता हूँ चलो इसमें करके देखा थोड़ा मैं क्लियर कर दूंगा, पॉइंट नोट कीजिएगा एक ही पॉइंट इसमें आई थिंक सो और कुछ भी नहीं है यार, और नया पॉइंट नहीं है ये वही है जो हमने कितनी दफा देखा है यार, देखें कहते 72,000 की प्रोडक्शन की कॉस्ट है यार ये 40 से डिवाइड करेगा तो आपके पास क्या आएगा प्रोडक्शन की यूनिट्स आ जाएंगे 8,000 डन, ये प्रोडक्शन की ये मैंने क्या किया है दोबारा सवाल को फिर देख लेंगे दफा, मैंने कहा ये वाली मैंने वैल्यू देगी ये प्रोडक्शन की कॉस्ट है और ये प्रोडक्शन की कॉस्ट है यूनिट्स कितने हैं यूनिट्स 4,000 यूनिट्स मैंने कहा वेरिएबल कॉस्ट 40 पर यूनिट डिवाइड किया तो 8,000 यूनिट्स आ गए, प्रोडक्शन के यूनिट्स कितने 8,000 यूनिट्स है, मैंने कॉस्ट को कैसे एब्जॉर्ब करवाया होगा, हाँ जी मैंने कॉस्ट को एब्जॉर्ब कैसे करवाया होगा, ये 72,000 को 40 से डिवाइड किया 8 ही आता है 8 नहीं आता यार क्या रहा बेटा 1800 ओके ओके फाइन मैं भी वही मसला क्या हो गया 1800 यस लेंगे 1800 आ गया, इसका मतलब हमने प्रोडक्शन कितनी की 1800 की है डन, इसका मतलब है हमने प्रोडक्शन कितनी की 1800 की है ये 1800 की प्रोडक्शन की तो हमने फिक्स कॉस्ट कितनी 2 पर यूनिट चला रहे हैं तो कितनी फिक्स कॉस्ट हमने एब्जॉर्ब करवाई होगी, नहीं जरा क्या वैल्यू आती है 1800 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 3600 आता है, मैं अब ये बेसिकली यूं कर लूं मैं इसमें और आपको क्लियर कर देता हूं और क्लियर कर देता हूं, हम कैसे किया करते थे हम यूं किया करते थे ओ ए आर को मल्टीप्लाई करता था मैं एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से तो एब्जॉर्ब ओवरहेड आता था, यहां से मैं माइनस करता था एक्चुअल ओवरहेड में यहां से माइनस करता था, ऐसे ही करते थे ना हम ओ ए आर क्या निकाला अभी हमने निकाला था ओ ए आर सवाल पे जाता हूं यहां चला जाता ये ओ आर ये बजट ओवरहेड 8,000 बजट एक्टिव लेवल ये 4,000 तो 2 ये 2 मेरे पास ओ आर निकला है तो सवाल पे मूव करता हूं मैं 2 ओ आर है तो 2 ओ आर इसको मल्टीप्लाई एक्चुअल एक्टिव अभी मैंने निकाला 1800 से मल्टीप्लाई किया मैंने ओवरहेड एब्जॉर्ब किया 3600 की जबकि एक्चुअल ओवरहेड है कितने वो हमें नहीं गिवन तो ठीक है वो 8,000 जो दिए होते हैं मैंने हमेशा बताया आपको हमने यही ले लेना है कि ओवरहेड कितने मंथ के बताए हैं 8,000 बताए हैं जैसे तो वही 8,000 को मैंने यहां से माइनस करवाया
तो 4400 मेरे पास क्या आ रहा है, अंडर एब्जॉर्ब आ रहा है। तो सवाल में आपने क्या करना है, इस 4400 अंडर एब्जॉर्ब को आपने एडजस्ट कर देना, या तो आप कॉस्ट ऑफ सेल में जाके इसको ऐड कर दीजिएगा, या जब ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा उसमें 4400 आप माइनस कर दीजिएगा, इट्स अप टू यू। ये अंडर एब्जॉर्ब है बेटा। हाँ जी, इट इज डन। ये सवाल आपके सामने, वापस मैं सवाल पे आ रहा हूं। हाँ जी, यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे करके ना आपने अंडर ओवर डाल देना है, यहां पे करके। जब दोबारा स्टेटमेंट बना रहे होंगे ना, दोबारा जब स्टेटमेंट बन जाएगी यहां करके आपने डाल देना है, या तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाके आप ऐड कर लीजिएगा इस अंडर ओवर अंडर को, अंडर कॉस्ट ना अंडर एब्जॉर्ब है, तो या कॉस्ट ऑफ सेल में जाइए ऐड हो जाएगी, या हमारे प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से इसको आप माइनस कर दीजिएगा। एनीथिंग दैट यू कैन डू। कोई मसला यहां तक, इट इज डन। अच्छा, एक बच्चा पूछे सर 8000 क्यों लिया है। बेटा एक्चुअल ओवरहेड्स हमें लेने होते हैं कि एक्चुअल ओवरहेड्स कितने इनकर हो रहे हैं। अब एक्चुअल ओवरहेड्स जब हमारे पास, अगर सवाल में भी आप जाए ना, देखें ये आप यहां जरा गौर कीजिएगा, इस बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये पूरी स्टेटमेंट बनी हुई आपके सामने यार, ये पूरी स्टेटमेंट बनी हुई है। इसमें देखें प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने चल रहे हैं, ये वैल्यू नजर आई आपको 8000 दी हुई। और हमें पता मार्जिनल कॉस्टिंग में हम एक्चुअल ओवरहेड्स ही माइनस करते हैं, तो बल 8000 के अलावा कुछ और गिवन भी नहीं है हमारे पास। अब यहां पे देख लें, ये भी 8000 है, एंड पे जाके जो उसने स्टेटमेंट दी भी वो भी 8000 है, तो उसने बताया गया कि आपके जो हमने एक्चुअल फिक्स कॉस्ट लगाई है वो 8000 की, तो ठीक है फिर एक्चुअल फिक्स कॉस्ट 8000 मैंने पुट किया, चला दिया मैंने। इज इट क्लियर डन। मैंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की है कि मुझे 1.5 घंटे की क्लास दी जाए, मैं आसानी के साथ आपको पहले आके 30-40 मिनट पढ़ा के बाकी खूब सवाल हम कर सकते होंगे, तो ये मैं हमेशा ऐसे किया करता हूं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपको मैं बड़े आसानी के साथ। अच्छा, एक बच्चे पूछे सर अगर डिफरेंस हो तो कौन सा लेंगे। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट हमेशा याद रखें, अगर डिफरेंस हो हम हमेशा कौन सी लेंगे, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट, और जो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम एंड पे जाके टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं वो भी एक्चुअल फिक्स कॉस्ट ही होती है। यानी एक्चुअल ओवरहेड्स हमें लेने होते हैं कि हमने एब्जॉर्ब कितने करवाए और एक्चुअली पे कितने किया। और अगर एक्चुअल नहीं गिवन तो इसका मतलब ये होता है कि बजटेड और एक्चुअल सेम ही है। जैसे इस सवाल में देख रहे हैं आप कि बजटेड भी नेक्स्ट सवाल के एंड पे उसने 8000 ही दिए हुए थे। देख लें इसमें स्टार्ट करता हूं, अब देख लें यहां पे उसने 8000 ही दिए हुए थे, और पीछे जाकर जो उसने माइनस किया है वो भी उसने 8000 ही माइनस किया हुआ। तो इसी तरह से ही हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। यहां तक कोई इश्यू, इट इज डन। क्योंकि ये सवाल हो जाएगा बेटा, क्या मसला, डन। अल्लाह अकबर, मैं नया चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहा था यार। ये आप सवाल आप कर लीजिएगा, D5 D6 क्या है ये हो जाएंगे अगर आप, इसी जैसे मैंने आपको पढ़ पढ़ के बता रहा हूं ना, अगर आप थोड़ा पढ़ लेंगे ना इसको, रिक्वायरमेंट क्या दी हुई आपको, ये है भी 2003 का पुराना है। From the above information, prepare the income statement through absorption costing and direct cost. Indirect cost from the variable costing. तो ये क्या दिया है आपको, ये चार बड़ा आसान से सवाल है। ये हम जैसे हम 6-6 महीने के दो हमने किए हैं, ये अब यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे करना होगा। तो क्वार्टरली बेसिस पे हमें सब कुछ दिया हुआ है, सारा डेटा दिया हुआ है। अगर क्वार्टरली कहेगा क्वार्टरली कर दे, एनुअल कहेगा एनुअल, जैसे वो कहेगा कर देंगे। सब कुछ दिया हुआ हमारे पास, अब स्टॉक यूनिट्स भी दिए हुए, प्रोडक्शन भी दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ गिवन है हमारे पास, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन। तो ठीक है, हमें खाली क्या करना है, वैल्यू करना है कि वैल्यू किस पे करना है। वेरिएबल कॉस्ट हो गया, यानी हम अगर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करें जस्ट वेरिएबल कॉस्ट यूज करेंगे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई हमारे पास, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास ये 6 की दी हुई हमारे पास, तो 6 ला देंगे। और अगर फिक्स कॉस्ट को भी एब्जॉर्ब करवाना है तो फिक्स कॉस्ट को हम कैसे एब्जॉर्ब करवा रहे होंगे, ये हमें थोड़ा सा देखना होगा कि फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब कैसे होगा हमारे पास। तो वो हमें सवाल में बताया होगा कि फिक्स कॉस्ट कितने हैं, फिक्स ओवरहेड्स ये दिए में, ये आपके सामने ये वेट करेगा। थोड़ा एक मिनट पढ़ लें यार, फिर बच्चे कहते हैं कि पढ़ना नहीं, एक मिनट लगा लें मेरा, इसको थोड़ा रीड आउट कर लें, मैं भी बताता हूँ। सवाल वैसे का वैसे ही, कोई नई चीज नहीं है इसमें। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज इंपॉर्टेंट यार, अक्सर ये आ जाता है, ये 10 से 15 नंबर ये अक्सर ही चला देता है इसमें।
हाँ जी देखिए बेटा क्या कहा जा रहा है, इस पूरे सवाल में अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करें तो हम पर यूनिट किस पे वैल्यू करेंगे, लेंगे 6 आ रहा है और कुछ पे नहीं, 6 पे वैल्यू करेंगे। अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करें तो देन हम फिर हम क्या करेंगे, कहते फिक्स ओवरहेड्स रुपीज कितनी है हमारे पास, ये 3 लाख दिया हुआ है और 120 1.25 पर यूनिट एट द नॉर्मल कैपेसिटी लेवल। हाँ जी इसका मतलब क्या है ये मुझे बताइएगा कि ये उसने बताया जो हमें 1.25 एट द नॉर्मल कैपेसिटी लेवल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसने निकाल के दे दिया आपको, यानी आपको क्या कह रहा है कि 1.25 यूनिट पर यूनिट एट द नॉर्मल कैपेसिटी लेवल, ये नॉर्मल से उसने क्या किया है, उसने आपको रेट निकाल के दे दिया है कि ये आपको ओवर एब्जॉर्प्शन रेट है कि अगर नॉर्मल आप यानी आप यहां पे क्या करें, 3 लाख जो हमारे पास फिक्स कॉस्ट है इसको नॉर्मल यूनिट से आप डिवाइड करें तो रेट जो निकलेगा 1.25 ही निकलेगा, तो ठीक है तो 6 है तो 6 पे 1.25 भी ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट बी 7.25। ठीक है यानी मार्जिन कॉस्टिंग अगर हम फॉलो करेंगे तो उसमें हम 6 को फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो कर रहे होंगे तो इसमें हम 7.25 को यूज करते जाएंगे, बाकी तो आसान यार आप कर लेंगे। बाकी आपको दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक जहां जिस जिस क्वार्टर में दिया होगा ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाई ये फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल जो भी आप लेना हो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिन कॉस्टिंग, प्रोडक्शन की यूनिट्स को भी इससे मल्टीप्लाई करें और क्लोजिंग स्टॉक को भी इससे मल्टीप्लाई करें, सेल यूनिट्स की सेलिंग प्राइस दी होगी मल्टीप्लाई करेंगे वो निकलाएगा। कंपनीज यूजिंग, अच्छा मैं यहाँ थोड़ा रीड कर देता हूँ, कंपनीज यूजिंग यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट एज बेसिस फॉर द अप्लाइंग द ओवरहेड रेट फिक्स मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आर, ये 6 लाख की आपको ये पर ईयर कॉस्ट दी हुई है, ये बात याद रखिएगा कि आपको क्या दी हुई है, ये हमें 6 लाख की पर ईयर कॉस्ट दी हुई, पूरे साल की ये कॉस्ट दी हुई है 6 लाख, ठीक है। इसके बाद यानी हमें ये पूरे साल की अगर क्वार्टरली वर्किंग करें तो इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, हमें इसके बाद बेटा हम इसके बाद हमें हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट, अच्छा अगर हम मार्जिन कॉस्टिंग में यूज कर रहे होंगे तो वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट भी दी हुई है, तो आप जब ओपनिंग स्टॉक प्रोडक्शन क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे उसके बाद आप वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट भी माइनस कर दीजिएगा कंट्रीब्यूशन को फाइंड करने के लिए, तो ठीक है कंट्रीब्यूशन के लिए वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो कर रहे होंगे वेरिएबल और फिक्स दोनों मार्केटिंग की कॉस्ट हम बाद में ही माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ही माइनस कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसके बाद अप्लाइड एंड एक्चुअल एंड अप्लाइड ओवरहेड्स आर द सेम, लाइक वाज नो मटेरियल नो लेबर वेरिएंस वगैरह, देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस, स्टैंड कॉस्ट आर असाइन्ड टू द फिक्स्ड, ये आसान है ये आगे हो जाएगा, नथिंग एल्स यू कैन डू इट इजीली। हाँ जी क्लियर बेटा कोई मसला इस सवाल में, मैं नया चैप्टर आज बिल्कुल स्टार्ट करने के मूड में, मैंने जाते स्टार्ट करना है लेकिन फिर मेरे दिन में आगे सवालों को मैं एक दफा गो थ्रू करवा दूं आपको समझ आ जाए कि सवाल करने कैसे हैं, अदरवाइज अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो बड़े आसान थे यार, कुछ नहीं किसी भी सवाल में कोई मसला नहीं है सच में, यू कैन डू इट इजीली। लेकिन मैं हमेशा ऐसा किया करूंगा हर चैप्टर के एंड पे रुक के पास्ट पेपर के एटलीस्ट में जितने भी सवाल है वो सारे मैं डिस्कस कर दिया करूँ, क्वेश्चन बैंक में से कुछ खुद करूंगा कुछ आगू करने को दूंगा लेकिन पास्ट पेपर के मैं क्विकली आपको कुछ सॉल्व करवा दिया करूंगा, जो लेटेस्ट सवाल होंगे वो हमेशा मैं सॉल्व करवा दिया करूंगा आपको, और जो पुराने हुआ करेंगे आसान टाइप वो मैं क्विकली हम उसको गो थ्रू कर लिया करेंगे कि ये सवाल होने कैसे। हाँ जी डन, ये सवाल समझ आ गया सबको, इज इट डन बेटा, ओके फाइन। नेक्स्ट सवाल देखिएगा जरा बेटा, वेट 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 वेट, नेक्स्ट सवाल भी देख लीजिएगा जरा यार, उसमें क्वार्टरली दिया हुआ ये पीरियड दिए हमें, वैसे क्या वैसे सवाल है ये तो पास उसमें भी था क्वेश्चन बैंक में भी था, ये आपको नॉर्मल कैपेसिटी बताई भी कितनी है 10,000 मशीन आवर्स है, 10,000 मशीन आवर्स द मंथ है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स और बाद में फिक्स ओवरहेड्स। जी अगर मार्जिन कॉस्टिंग फॉलो करेंगे तो यहां तक चला दीजिएगा आपको, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करेंगे तो फिर आप 600 को भी ऐड कर दीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक दिया पहले नहीं दिया हुआ हमें, सेलिंग प्राइस बताई भी है, प्रोडक्शन जैसे पीरियड वन में कितनी प्रोडक्शन कर रहा हूं मैं 10,000 की प्रोडक्शन कर रहा हूँ, सेल कितनी कर रहा हूँ 8,000, तो बाकी 2,000 की अगर क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, यानी सेल के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक 0 है प्रोडक्शन दी भी क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ मल्टीप्लाई, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करें तो पूरा 1,800, अगर मार्जिन कॉस्टिंग फॉलो करें तो 1,200 मल्टीप्लाई करके उसको चला दीजिए, ऐसे हमने फ्यूचर में कर देना, कोई नई चीज इसमें है ही नहीं। हाँ ये डन ये तो हो जाएगा यार, इट्स नॉट इश्यू।
दो तीन चार सवाल सही तरह से देख के अच्छी तरह से समझ के कर लें, बाकी सारे ऑटोमेटिकली होते जाते हैं, हर सवाल में वही गेम ही होती है। देख लें इसको, मतलब मुझे बता दीजिएगा, रीड द क्वेश्चन। हमें हमेशा आपको उसमें चैप्टर खत्म होने के बाद पास्ट पेपर्स के सारे सवाल एक दफा कर लिया करेंगे, जो मेन मेन सवाल होंगे, छोटे सवाल है यार, हो जाएगा आसानी के साथ। नेक्स्ट सवाल देख लें यार, नेक्स्ट भी कुछ ऐसा ही है, आपने एब्जॉर्प्शन बायल कॉस्टिंग तो निकालना है, सब कुछ दिया हुआ आपको, बता दिया यहां भी ज्यादा क्या है, यहां पे नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स दिए हुए, सेल दी हुई आपको, अभी बहुत पुराने सवाल है, पहले बहुत सिंपल आया करते थे, तो ये आपको रॉ मटेरियल दिया हुआ, डायरेक्ट मुझे बताया वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 50% ऑफ दैट, बाकी सब कुछ वैसे ही है, कोई नई बात नहीं है इसमें। ऐसे ही आपको ये हमारे आगे अपने सवाल चल रहे, नहीं जी ये हमारे अपने ही है, ये भी आपको इसी तरह का जैसे क्वार्टरली डेटा दिया ना वैसे दिया हुआ, और इसको देख के ये हो जाएगा, दिस इज नथिंग एल्स। हमारे मेरे पास जितने भी पास्ट पेपर के सवाल थे मैंने सारे डिस्कस कर दिया आपके सामने, इज इट डन। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट क्या करें क्या करूं यार, आई थिंक आज के लिए काफी है यार, ठीक है, क्या ख्याल है जी, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें या इंशाल्लाह टुमारो वी शुड स्टार्ट। चलें ठीक है, आज आपको काफी सवाल हमने कर लिए, इन सारे सवालों को आपने अच्छी तरह से दोबारा कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक से भी दोबारा कीजिएगा, सारे सवाल क्वेश्चन बैंक से भी, यहां से भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका टेस्ट का मैंने प्लान कहा हुआ है, मैनेजमेंट से बात की हुई कि हमें कि एक दिन प्रॉपर एक दिन का हो, हर चैप्टर के एंड पे टेस्ट लिया जाए, दोनों कहेंगे ठीक है हमारे पास टेस्ट बने भी रहे, वो आपको कंडक्ट जरूर करवाएंगे। एक बच्चा पूछे चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें यार, नेक्स्ट वाला कॉस्ट लो मैथड मैंने स्टार्ट करना था, ये चैप्टर आपका कॉस्ट लो एंड प्रोडक्शन जितनी भी है यही मैंने आपसे डिस्कस करना था, देखूंगा कोई और अगर, वैसे मैं ये भी स्टार्ट ऐसे फ्लो में चलता हूँ, ये देख लेता हूँ कोई और चीज इसमें यार, इसको बाद में करना तो बाद में भी हो सकता है, ये थोड़ा जनरल टाइप सा होता है चैप्टर, हमें एंट्री करनी होती है। खैर तो मैनेजमेंट से मैंने बात की भी, आपका टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे इंशाल्लाह, और ये अब आपने अपनी पूरी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। ये रिजल्ट कब आना है यार आप लोगों का, पिछला रिजल्ट कब आना है, आई डोंट नो 17-16 के पता नहीं, ये 16 का आई थिंक आ रहा, फाइन ठीक है, फाइन। तो आज मेरे पास क्या है, 8 है आगे, 8 आगे ठीक है फाइन, थोड़े दिन रहेगी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा, लें जी इंशाल्लाह आज के लिए, फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट, सो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज। Thank you.